अस्सलाम नाज़रीन, जफर इकबाल एस्क्वायरी वेबसाइट के प्लेटफॉर्म से हाजिर खिदमत हूँ। नाज़रीन, आपके लिए आज मैं गुलबर्ग ग्रीन्स के अंदर एक प्रोजेक्ट लेके आ रहा हूँ और ये प्रोजेक्ट है डायमंड माल ग्राउंड। डायमंड माल एक रेडी बिल्डिंग है, तैयार बिल्डिंग है, यहाँ पे लोग रिहायश पजीर भी हैं। तो डायमंड माल के अंदर मुख्तलिफ अपार्टमेंट रीसेल के लिए अवेलेबल है, तो आज उनके हवाले से मैं इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। उससे बात करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हो तो प्लीज ये जो सब्सक्राइब का बटन है इसे दबा दीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि तमाम इन्फॉर्मेशन आप तक इन टाइम हो सके। और आपसे रिक्वेस्ट ये भी करूंगा कि आप मेरी वीडियो को कंप्लीट देखा करें, शॉर्ट की वीडियो बनाता हूँ, बहुत लंबी नहीं, 4-5 मिनट की वीडियो होती है लेकिन उसके अंदर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है उस प्रोजेक्ट के वाले से। जब आप मुकम्मल वीडियो देखेंगे तो तमाम मालूम आप तक पहुंचेंगे। तो आइए नाज़रीन, आपको मैं लेके चलता हूँ डायमंड माल के वाले से, जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। आप ये LCD स्क्रीन के ऊपर वीडियो में भी देख रहे हैं कि गुलबर्ग ग्रीन एक बहुत ही खूबसूरत एरिया डेवलप हुआ है इस्लामाबाद के अंदर। ये मेन एक्सप्रेस वे के ऊपर मौजूद है, आप फैजाबाद से जाते हैं टूअर्स जवाब की तरफ तो हार्डली आपका 10-15 मिनट लगते हैं फैजाबाद से गुलबर्ग के एरिया में। जब आप गुलबर्ग के अंदर जाते हैं तो आपको मैं एक शॉर्ट सी वीडियो में बैकग्राउंड के ऊपर साथ साथ चला रहा हूँ, आप इसमें भी देख सकते हैं गुलबर्ग के अंदर रोडें कितनी जबरदस्त। ये एक बेहतरीन एरिया डेवलप हो चुका है और कमर्शियल एरिया इसका काफी जबरदस्त है। यहाँ फार्म हाउसेज भी है, रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स की बिल्डिंग्स भी है, कमर्शियल बिल्डिंग्स भी इसके अंदर मौजूद है। तो इन्हीं में डायमंड माल, ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं डायमंड माल, बिल्कुल एक रेडी प्रोजेक्ट है, रेडी बिल्डिंग है। ये दो टावर्स बने हुए हैं, नीचे इसके जो फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर है ये इसका कमर्शियल है, यहाँ पे शॉप्स है, ऑफिस है, लेकिन ये मोस्टली जो अगर हम ऑफिस देखें तो यहाँ सारे रियल स्टेट से रिलेटेड जो अपार्टमेंट्स है इसके वो थर्ड फ्लोर से ऑनवर्ड ऊपर इसके अपार्टमेंट स्टार्ट हो जाते हैं और मुख्तलिफ इसके फ्लोर है। उसका जो रास्ता है वो बिल्कुल सेपरेट है, वो बैक साइड से सेपरेट है, आप कमर्शियल एरिया से गुजर के जाने की जरूरत नहीं। बैक साइड के ऊपर इसके रास्ते हैं, दोनों टावर्स के अलग अलग रास्ते हैं और उसमें लिफ्ट लगी हुई है, आप उस पे जा सकते हैं। इसके अंदर जो अपार्टमेंट्स अवेलेबल हैं अगर मैं उनकी बात करूं तो वहां पे आपको 1-बेड अपार्टमेंट मिल जाएगा, 2-बेड अपार्टमेंट भी हैं, फिर इसी तरह से 3-बेड अपार्टमेंट्स भी हैं और 4-बेड अपार्टमेंट्स। इसके अंदर बाज अपार्टमेंट्स हैं जो फुली रेडी, बाज अपार्टमेंट्स ऐसे है जो वुडवर्क के साथ है, बाज है जो विदाउट वुडवर्क। तो आपको दोनों तरह के अपार्टमेंट्स मिल जाएंगे, अगर आप विदाउट वुडवर्क भी लेंगे और आप कहते हैं कि हमें वुडवर्क करवा के दें तो ये आपसे मैक्सिमम 1-2 हफ्ते लेंगे और आपको सारा कंप्लीट काम करवा के रेडी करवा दें। तो यहाँ अगर मैं अपार्टमेंट के रेट्स की अगर मैं बात करूँ तो आपको जो 1-बेड अपार्टमेंट है ये अराउंड 55-60 लाख की रेंज के अंदर आपको मिले, जो 2-बेड अपार्टमेंट है ये आपको अराउंड 80-90 के रेंज के अंदर आपको 2-बेड अपार्टमेंट मिल जाएगा। इसके अंदर जैसे मैंने बताया कि आपका जो वुडवर्क विदाउट वुडवर्क है इसके अंदर अगर आप छत भी करवाना चाहेंगे तो वो आपको करवा के भी दे देंगे, रेडी करवा देंगे। फिर 3-बेड अपार्टमेंट है ये आपको 120-130 की रेंज के अंदर मिल जाएंगे, ऐसी यहाँ फॉरवर्ड अपार्टमेंट भी मौजूद है। और इसमें डायमंड माल के अंदर बहुत से अपार्टमेंट्स हैं जो रेंट के ऊपर, तो आप डायमंड माल के अंदर अगर आप कुछ भी लेना चाहें, अगर आप इसके अंदर रेंट के ऊपर अगर आपको चाहिए हो तो वो भी हम अरेंज करवा देंगे। आप अगर आप यहाँ पे कोई अपार्टमेंट 1-बेड 2-बेड 3-बेड या 4-बेड लेना चाहेंगे वो हम आपको अरेंज करवा देंगे। उसके लिए आप हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है इसके ऊपर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जो भी डिटेल्स लेना चाहेंगे हम इंशाल्लाह आपको कोशिश करेंगे कि पूरे ईमानदारी के साथ उस प्रोजेक्ट के बारे से कंप्लीट डिटेल में आपको प्रोवाइड करें। आखिर में आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ये सब्सक्राइब का बटन है इसको दबा दीजिए, साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए। और इसके साथ साथ आप अपने जो अहबाब हैं, दोस्त अहबाब हैं, आपके जानने वाले हैं उनके साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। मुमकिन है आपके जानने वालों को जरूरत हो और आपकी वजह से ये पैगाम उन तक। तो आप सब दोस्तों का तसल्ली से देखने सुनने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू।